पिछली बार तूने मुझे बताया हाउ unfolded. Hmm. बहुत ही मज़ा आया मुझे बहुत ज्यादा मज़ा आया <laughs> तूने बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें बताई मुझे सबसे ज्यादा मज़ा इस चीज़ पे आया इस पहलू पे आया जो मैं तुझे पहले भी बता चुका हूँ कि कितनी चीज़ें हमारी आम जिंदगी में ऐसी कॉमन सी बड़ी ऑब्वियस सी है पर तू वो hmm. ना उसका एक बड़ा अलग सा पहलू बताती है जैसे हम भाषा को ही ले लेते हैं hmm. बारह घंटे हो गए हमें चक 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 करते हुए भाषा का प्रयोग करते हुए पर मैंने इस तरीके से भाषा के बारे में कभी नहीं सोचा कि कि ये एक टूल है जो हम दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैंने जब से हमारी इस बारे में चर्चा हुई है मैं बड़ा सोच रहा हूँ इस बारे में मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी सारी तो मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा बट एक पर्टिकुलर चीज़ जिसके बारे में मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ वो ये थी जो तूने बताया कि जो लोग भाषा को पढ़ते हैं जो लैंग्वेज स्कॉलर्स होते हैं आई थिंक उनको लिंग्विस्ट बोलते linguists, हैं, हैं। उनमें से जो सबसे पॉपुलर है उनका नाम है नोआम चॉम्स तो जैसे इनमें भी जो रिसर्चर्स हैं इनके दो स्कूल्स ऑफ थाट हैं एक स्कूल ऑफ थाट बताता है कि ये बेसिकली इनके बीच में दो स्कूल्स ऑफ थाट हैं मतलब एक तरीके का आर्ग्यूमेंट है जो कि साइंस में बहुत सारी चीज़ों को लेके होता है जिसे बोलते हैं नेचर वर्सेस नर्चर तो मैं इसको थोड़े अच्छे से समझने की कोशिश कर रहा था कि है क्या भला नेचर वर्सेज नर्चर तो तूने बताया कि दो स्कूल्स ऑफ थाट हैं एक है जो नॉम चॉम्सकी का स्कूल ऑफ थाट है जो बताता है कि लैंग्वेज की जो थोड़ी सी कैपेबिलिटी है हमारे ब्रेन के अंदर पहले से ही एनकोडेड है तो मतलब बाय नेचर हम पैदा होने से पहले ही लेके आते हैं या मतलब पैदा होने के साथ ही हम लेके आते हैं सॉरी और जो दूसरा कैंप है वो ये बोलता है कि नर्चर मतलब वो कहना चाह रहा है कि पैदा होने के बाद जब माँ बाप और आसपास के लोगों से जब इंट्रैक्ट करता है बच्चा तो थोड़ी लैंग्वेज की चीज़ें पिक करता है तो इसको लेके हम एक उदाहरण सोच रहे थे कि पहली बात तो मैं इसको समझने की अच्छे से कोशिश कर रहा था नेचर और से नर्चर क्या है तो इससे पहले याद है हमने एक बार बात की थी कि हम तो आईफोन हैं इस ब्रह्मांड के कि मनुष्य इतना मतलब मैं क्या हूँ यार मैं एक बहुत तगड़ा गैजेट हूँ मैं इस जैसे कि जैसे कि पेल पेड़ जो फल निकालते हैं हाँ। वैसे ही हमारा ब्रह्मांड इंसान पैदा करता है <laughs> हाँ। तो, तो तो इस ब्रह्मांड का एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन एक गैजेट हूँ मैं हाँ। तो मैंने कंपेरिजन किया था आईफोन से बिकॉज इक्कीसवीं शताब्दी में आज की तारीख में सबसे पॉपुलर बढ़िया गैजेट माना जाता है आईफोन स्मार्टफोन तो वैसे ही मैंने अब तो तक बताया था कि हम मान लो जैसे इस ब्रह्मांड के आईफोन हैं तो अगर हम उसी मेटाफोर पे स्टिक करें ये भी तो समझाया कि ये जो चीज़ थी इसको मेटाफोर बोलते हैं हाँ। तो अगर हम थोड़ी सी देर के लिए इस मेटाफोर पे स्टिक करें तो ये पूरी जो नेचर वर्सेस नर्चर की जो डिबेट है जो कि बहुत सारे पहलुओं पे लगती है ना सिर्फ लैंग्वेज नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें और हम एम श्योर हम आगे भी इस चीज़ के बारे में बहुत बारे में बात करेंगे तो काफ़ी चीज़ों में करती रहती है तो मैं सोच रहा था इस तरीके को मैं कैसे समझ पाऊँ इस नेचर वर्सेज़ नर्चर को तो मैं सोच रहा था कि इसको ऐसे समझ सकते हैं जब आप आईफोन खरीदते हो या जो आईफोन फैक्ट्री से निकल के आता है तो उसके अंदर एप्पल जो आईफोन बनाता है उसके एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आई तो जो जो काम वो ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट कर सकता है उसको तो हम बोल सकते हैं कि वो नेचर है मतलब वो पहले से ही आया मतलब हमारा ब्रेन अगर हम हम खुद को एक आईफोन मान लें स्मार्टफोन की तरह तो जो आईओएस जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हर आईफोन का तो वो बाय नेचर होता है वो एप्पल की तरफ से पहले से ही निकल के आता है ठीक है पर अलग अलग आईफोनों में अलग अलग खूबी हो जाती है क्यों क्योंकि हम उस पर ऐप डाल देते हैं ऊपर से तो मैं सोच रहा था कि जो हम अलग अलग ऐप डाल देते हैं ना आईफोन के अंदर या किसी भी फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर वो हो गया नर्चर मतलब वो था नहीं जब फैक्ट्री से निकल के आया फ़ोन या जिस दिन आपने दुकान से ख़रीदा था उस फोन को राएट, राएट। तब वो चीज़ थी नहीं उसमें वो केपेबलिटी नहीं थी इसके तो बहुत सारे उदाहरण हैं हम एक छोटा सा ही उदाहरण ले लेते हैं जैसे कि हम मान लेते हैं कि रिकॉर्डिंग आजकल तो आई थिंक बाई डिफॉल्ट ही आती है बट आजकल जैसे गूगल गूगल का एक नया ऐप आया रिकॉर्डर रिकॉर्डर बड़ा स्पेशल है उसमें आप ट्रांसक्राइब वगैरह कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने फोन में रिकॉर्डिंग करनी चालू की तो जो आप बोल रहे हो जैसे आप बोल रहे हो ना वैसे वैसे साथ में वो ट्रांसक्राइब करता रहता है जैसे फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि माई नेम इज़ पीयूष अग्रवाल आई लिव इन सैन फ्रांसिस्को आई वर्क इन गूगल तो मैं जैसे बोल रहा हूँ ना वो साथ साथ लिखता जाएगा तो बड़ी अच्छी खूबी है ये बाई डिफॉल्ट नहीं आती आईफोन में

तो ये जो दो स्कूल्स ऑफ थाट्स हैं या जो दो कैंप हैं लैंग्वेज को लेके उसके लिए हमने बात की थी कि मान लो एक ऐसी दुनिया जो कि बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्वक चीज़ है बट मान लो साइंस फिक्शन मूवी की तरह कि ये जो करोना वायरस है ये वायरस म्यूटेट हो गया और उसके म्यूटेशन से ये बहुत ही ख़तरनाक म्यूटेट हुआ है कि जितने बड़े लोग हैं दुनिया के सब मर जाएंगे ठीक है और सिर्फ दो साल के बच्चे रह जाएंगे ठीक है अब क्या वो दो साल के बच्चे अगर ये यूट्यूब वीडियो देखते हैं या दो साल के नहीं मान लो वो दस साल का हो गया बच्चा आठ साल बाद कोई नहीं है उसने आठ साल कुछ नहीं किया किसी बात और उसको एकदम से यूट्यूब वीडियो दिखता है और हम दोनों बातें कर रहे हैं तो क्या वो हमारी बातें समझ पाएगा अगर वो समझ पाएगा तो इसका मतलब उसके ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब उसके ब्रेन में पहले से चीज थी मतलब वो नेचर का था अगर वो नहीं समझ पाया इसका मतलब हम भाषा अपने माँ बाप से जो छोटे होते हैं इंटरेक्शन से करते हैं तो मोटा मोटी यही थी जो मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी पर कि मिक्स होगा मतलब कुछ ना कुछ वो भी होगा जो नॉम चोम की

सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है उससे कोई एविडेंस निकल कर आए उस एक्सपेरिमेंट से तो यही चल रहा है अभी रिसर्च ऑन इस पर बहुत बढ़िया बात कर दी अब मेरे मन में एक प्रश्न आ गया हाँ। अब मुझे पता नहीं साइंटिस्ट ने ऑलरेडी पूछ रखा है कि नहीं हाँ। बट मेरे मन में भी एक प्रश्न आया जिसकी रिसर्च मैं करना चाहूंगा हाँ। या मुझे बता अगर ऐसी ऑलरेडी कर रखी है हां मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ कि ये नेचर है वो नर्चर है वो ये तूने ये जो बताया ये था हमने पर्सपेक्टिव जो लिया वो भाषा समझने का था फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा बच्चा है वो तो सिर्फ साउंडस सुन रहा है आवाज़ें हो रही हैं अब उस साउंडस में से जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है आई डोंट नो इफ़ यू नो अबाउट दिस कि हम जब बातें करते हैं ना तो हम ना कोई वर्ड्स के गैप नहीं होते हमारे हम तो बस एक शब्द हम एक एक स्ट्रीम ऑफ साउंड्स निकालते हैं तेरा ब्रेन उसमें अपने आप ही आर्बिट्रेली या फिर आर्टिफिशियली उसमें साउंड्स प्रोड्यूस कर देता है फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमें सुन रहा है और हमारी भाषा समझता है तो उसे ये लग रहा है कि मैं एक 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 करके शब्द निकाल रहा हूँ ये बात सच नहीं है मैं एक्चुअली बस एक लंबी आवाज़ निकाल रहा हूँ जिसमें हुँ, क्योंकि उसको समझ में आती है भाषा वो अपने आप आर्टिफिशियली अपने ब्रेन में उसको काट छाट के सेंटेंसेस निकाल रहा है अगर इस चीज़ का किसी को एक्सपेरिमेंट करना है तो वो बस कुछ ऐसी कोई चाइनीज़ वीडियो सुन ले अगर चाइनीज़ भाषा नहीं आती कोरियन जो भी भाषा उसे नहीं आती दो लोगों को बात करते हुए सुन ले exactly, yeah. उसे ये लगेगा कि ये तो एक लाइन में बोले जा रहे हैं वर्ड्स कहाँ कट रहे हैं जबकि जो भाषा समझता है उसको समझ में आ जाती है तो ये जो हमने चीज़ की थी नेचर वर्सेज नर्चर की क्या वो सॉफ्टवेयर हमारे ब्रेन में ऑलरेडी था जो हमें वर्ड्स hmm. को आ, काट छाटना की ये तो लंबी साउंड आ रही है ग्रामेटिकल hmm. स्ट्रक्चर कैसे होगा मेरे मन में प्रश्न दूसरा आया वो ये आया तूने एक और चीज़ बताई थी कि आ, जो, जो जो बुक थी द अनफोल्डिंग ऑफ लैंग्वेज उसमें जो ऑथर थे उन्होंने बोला कि द वर्ड्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ करेक्ट मैं मनीमन सोच रहा था यार हमने तो क्या तरकीब लगाई है भाषा समझने तो बाद में आई होगी ना पहले बोलनी चालू करनी पड़ी होगी और उसमें हमने क्या तरकीब लगाई हमारा मुंह हमारी जीभ हमारी विंड पाइप हमारी थ्रोट इन सब का ना एक अलग ही काम था खाना खाने का हमने ये जो ऑलरेडी चीजें और भी जानवरों के पास होती है मुंह होंठ टंग इसका इस्तेमाल करके अजीबोगरीब साउंड्स साउंड पैदा करने लग गए हम कितनी अजीब बात है।, है अब तू इस बात को ही ले ले कितनी अजीब बात है हाँ। अजीब बात है अजीब <laughs> अजीब बोलने के लिए मुझे अपनी जीब लगानी पड़ती है, पड़ती है। <laughs> किसने सोचा कि मैं ऐसे अपने मुंह को अलग से जीब यहाँ पे म फ भ ग ल ठ ढ हमारे जो होते हैं ना क ख ग ग वो हमने बोलना मतलब कितनी अजीब बात है मुझे पता नहीं मैं कैसे बोलता हूं बात है। कितनी अजीब बात है बोलने के मेरे बोल तो मन में प्रश्न ये आया कि क्या ये बोलने की क्षमता कि हम हम अपने जीव और होठों को मोड़ मड़ोड़ के ऐसे अजीब अजीब साउंड आवाजें निकालते हैं ये नेचर है या नर्चर है कहने का मतलब कि मान लो ऐसा ही कोई प्रलय आ जाए कि सब मर जाएं और जो छोटे बच्चे भी पैदा हुए हैं वही सिर्फ रह जाएंगे तो क्या वो छोटे बच्चे आपस में ऐसे ही वापस साउंड्स निकाल पाएंगे या और मान लो उनके पास ना कोई यूट्यूब वीडियो कुछ नहीं मतलब बहुत बुरा प्रलय आ गया सारा यूट्यूब फेसबुक सारे वीडियो सब नाश हो गए सिर्फ छोटे बच्चे बच गए और वो छोटे बच्चे मान लो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो क्या वो भी अपने ये जो मुँह का प्रयोग है खाने के लिए जैसे मैं इतना समझ सकता हूँ हो सकता है उनके नेचर में होता होगा कि भूख लग रही है छोटे बच्चे को और अंगूर पड़े हैं नीचे पेड़ के तो वो ऐसे पकड़ के अपने हाथ से अंगूर अपने मुंह में डाल लेगा क्योंकि ये चीज़ हमारे नेचर में है ऐसे हाथ से कोई चीज़ मतलब छोटा बच्चा हाँ हाँ वो पैदा होता है उसकी थोड़ी बहुत चीज़ें उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी होती है बट मेरे मन में प्रश्न ये आया कि ये जो अफलतनी हरकत करते हैं ना हम अपने जीभ और अपने होठों के साथ क्या वो भी हमारे नेचर में है या वो हम लोगों को देखते हैं तो लगता है कि अरे ये अपने मुंह को ऐसे हिला रहा है ऐसी आवाज़ें निकाल करने लग जाते हैं तो मैं मनी मन सोचने लग गया कि आई अग्री नेबी बी वर्ड्स आर द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लैंग्वेज बट आई फील दैट टू मेक अ वर्ड इन इन अ स्मॉल वर्ड लाइक वर्ड वर्ड ये बोलने के लिए मुझे अपनी अपनी जी को ऐसे घुमाना पड़ा आई हैड टू रोल माई आर वर्ड वो कितनी अजीब चीज है और वो कितनी कला मतलब इसमें बहुत बड़ी कला, कला लगती कला है ऐसे बोलने में ना हाँ, तो ये भी बड़ी बाड़ी... ये एक्चुअली शायद नर्चर का ही पार्ट है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता बट जो उनका आर्ग्यूमेंट था कि नर्चर में क्या आता है वो वो यही बोलना चाह रहे थे कि जैसे हम इंटरेक्ट करते हैं जैसे मैं तुम्हें देखूंगी तुम बोल रहे हो वर्ड तो मैं भी वैसे ही बोलने की ट्राई करूंगी सो वी बच्चों में इनफैक्ट ह्यूमन बींग्स में बहुत बड़ी शक्ति है वो है इमिटेशन की शक्ति मतलब हम बड़े एक्चुअल हाँ, हाँ, में भाई कि हम ना बड़ी जल्दी दूसरों की बिहेवियर को देख के बड़ी जल्दी नकल करते हैं हम बहुत जल्दी इमिटेट करते हैं तो उनका आर्ग्यूमेंट वही था कि नर्चर में क्या हो रहा है असेंचुअली क्योंकि हमें क्षमता है इमिटेट करने की इनफैक्ट न्यूरोलॉजिकल अगर उस टर्म्स में जाओ तो हमारे एक्चुअली कुछ न्यूरो मिलता न्यूरॉन्स हमारी क्षमता है वो वो एक्चुअली बिल्ट इन है कि हम दूसरों को देख के इमिटेट करते हैं अब जैसे अब तुम यू ऐसे हाथ करके बैठे थोड़ी देर में ना मुझे पता भी नहीं चलेगा मैं भी ऐसे हाथ करके बैठ जाऊँ तो तो कई, कई बार ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं ना तो सारे ही ऐसे खड़े तो हो जाते, हैं। ऐसे हो जाते हैं। तो हमें ये इमिटेशन अनकॉन्शियसली चलती रहती है

वो फिश बहुत बड़ी की होती, बनी है। होती है उसकी जीप बहुत हार्ड होती है पूरी बोन्स की बनी होती है और उसकी जीप का प्रयोग वो करता है किसके लिए खाने को अपने मुंह के ऊपर वाले पोर्शन से ऐसे करने ग्राइंड, के लिए, करने, करने, ग्राइंड लिए। करने, लिए। करने के लिए तोड़ने के लिए जो भी चीज़ खा रहा है वो ऐसे मतलब ऊपर वाले एरिया अपर उस मुंह से बड़ा अजीब है देखो उसने जीप का कैसे उपयोग निकाला और सही में हम एक्चुअल में जीप का कितना उपयोग कर रहे हैं साउंड्स निकालने के लिए। तो मुझे तो ये लगता है कि हमारी जो मतलब अगेन ये मेरे दो सेंस आ रहे हैं कि हुँ। हमारी ग्रेटेस्ट इन्फेंशन पता है क्या थी लैंग्वेज होगी बट असली में जो एक्चुअल टेक्निकली जो लैंग्वेज थी वो है हमारे जीप का प्रयोग करना अजीब अजीब, अजीब तरीकों <laughs> से <laughs> <है>। <laughs> कितनी हाँ सही बात है क्योंकि कितनी अजीब चीज़ है कि अगर हम सोच पहली बात तो थिंक थिंकिंग थॉट आना या थिंक करना अपने आप में कितनी अजी अद्भुत चीज़ है hmm. और जब भी हम कुछ थिंक करते हैं उससे ही रिलेटेड हम साउंड निकालते हैं तो हमारी जो लैंग्वेज है दैट ऑल्सो एक्सप्रेसिस द वे वी थिंक जो इंग्लिश स्पीकर होते हैं जैसे उनके सेंटेंसेस अलग होते हैं स्ट्रक्चर्ड हम हिंदी भाषियों के अलग होते हैं स्ट्रक्चर्ड तो हम दोनों का क्या हाल है जो हम तो इंग्लिश भाषी है. <laughs> <पता, दोनों laughs> <चल रहे> हैं पता <laughs> दोनों ही चल रहे हैं, <laughs> दोनों, ही चल रहे हैं। <laughs> दोनों ही चल रहे हैं जो भी थिंकिंग दोनों तरह की चलती रहती है शायद इसलिए शायद पता नहीं अलग अलग थियरीज हैं इस पर भी कि मल्टीलिंग होने का कोई फायदा है या नहीं है क्या सही में पता नहीं hmm. तो बहुत कुछ है इसके अंदर hmm. In fact, Anyways, एक, I... एक एक हमने अभी तुमने ये चीज़ बोली थी आ, कि हमारी ये जो हैबिट है थिंकिंग की या फिर एनालॉजी निकालने जैसे तुमने कितनी बढ़िया एनालॉजी निकाली मुझे बहुत अच्छी लगी एनालॉजी कि आईफोन के अंदर एप्स आईफोन तो आता है मतलब जिसमें उसमें हार्डवेयर और जो भी सॉफ्टवेयर के साथ आएगा बट उसमें कुछ सॉफ्टवेयर तुम ऐड कर सकते हो अपने ऐप्स तो लेकिन हम एक बार ऐड करने के बाद भूल जाते हैं कि ये आईफोन जो मेरा भी आईफोन है या फोन है वो मेरा फ़ोन है अगर मैं किसी और को पकड़ा दूँ तो एक बार अजीब लगता है उसको कि अरे ये मेरा फ़ोन तो नहीं है वो से पकड़ लेता है क्यों hmm. क्योंकि हम इतनी आदत जबकि हम जब जब तक अपना फ़ोन यूज़ करते रहते तो हमें ऐसा थोड़ा लगता hmm. है कि मेरा ही फ़ोन अलग है हमें लगता है सबका फ़ोन ऐसा है भाई hmm. जबकि मेरा फ़ोन एक्चुअली में तुम्हारे फ़ोन से कितना डिफर करता hmm. है या दूसरे तो इसके अंदर मैं एक्चुअली एनालिस को एक्सटेंड इसलिए कर रही थी क्योंकि ना अभी इस अनफोल्डिंग ऑफ लैंग्वेज में एक ना बड़ा अच्छा कोड था जो मेरे को भी याद आ रहा है इस इससे रिलेटेड वो कोड था टू थिंक इज टू फॉरगेट द डिफरेंस मतलब हम जब किसी चीज की अनालजी निकाल लेते हैं उस चीज को समझ लेते हैं ना जब थिंक कर लेते हैं उसको थिंक थ्रू कर लेते हैं कि अच्छा हाँ ये तो चीज ऐसे ही है तो हम भूल जाते हैं कि वो चीज़ एक्चुअल में अलग थी जो अनलॉजी थी उससे हम एक्चुअल में वैसे ही लेना शुरू कर देते हैं मुझे। तो जैसे कि हमने कल बात की थी कि कुछ एक सेंटेंस बताया था मैंने कि आ, The audience erupted in laughter. Let's hmm. say this is a sentence. So, we have forgotten the fact that erupted as such happens in volcanoes, not in audiences. It is so ingrained in our language now that we have forgotten the fact that there are two different things. Hmm. So, we have a simple sa example, diya, but do we To think is to forget the difference. क्योंकि हम अपने ना वो नॉलेज ग्राफ जो हमारा जो हमारे माइंड में जो हम हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना वर्ल्ड की उसमें उसको फिक्स कर लेते हैं कोई नई चीज़ सीखते हैं तो तो हम भूल जाते हैं कि वो जो नई चीज़ थी वो एक्चुअली में अलग थी वो हमें लगता है कि हाँ हा, नहीं तो सेम ही चीज़ है पाइपलाइन लीक करती है बजट्स लीक नहीं करते <laughs> जैसे कल मैं एग्जाम्पल दे रही थी अब लोगों को लगा कि नहीं वो सेंटेंस में कुछ अजीब नहीं था एक बार के लिए लगेगा नहीं था अजीब बट सुचवाओ अगर उनको तब उनको पता चलेगा कि हाँ अच्छा एनी वेज बट कितनी अद्भुत कैपेबिलिटी है हमारे माइंड की है हमारे माइंड के बारे में बहुत कुछ बताती है हमारी लैंग्वेज मुझे बहुत ही दिलचस्प लगी ये लैंग्वेज पर मैं आई आई एम वेरी अवेयर कि तूने बताया था कि अब हमने थोड़ा सा लैंग्वेज को एक एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखा कि लैंग्वेज को भी एक प्राणी की तरह आप ट्रीट कर सकते हो उसकी भी बाकायदा एवोल्यूशन होती है तो जैसे वर्ड्स का एग्ज़ाम्पल लेते हैं कई वर्ड्स हम पॉपुलराइज हो जाते हैं हाँ, तो वो फैल जाते हैं कई वर्ड्स यूज होने बंद हो जाते हैं धीरे धीरे तो वो रह जाते हैं मर जाते हैं जैसे एक्सटिंक्ट हो जाते हैं विलुप्त हो जाते हैं बेसिकली हाँ, वैसे ही कई लैंग्वेजेस विलुप्त हो जाती है जैसे लोग बोलना बंद कर देते हैं हाँ, तो उनको प्राणियों की तरह ले सकते हैं मतलब हाँ, वो प्राणी ही वो योनी ही विलुप्त हो चुकी है हाँ, पर तूने ये भी बताया कि अब हम देखेंगे कि लैंग्वेज की वजह से हमारी मानसिकता कैसे बदली तो ये मैं बड़ा I was very curious, <laughs> like like where you're gonna go with this? I'm very curious to know, like how did our psychology change because Haan, of language? Psychology changed because of a lot of things that happened because of language. तो मैं मानसिकता पे जाने से पहले या psychology पे जाने से पहले अपने mind कप के ऊपर एक बारी reflect करना चाहूँगे कि हमारे mind के बारे में क्या पता चलता है? कि language का आना हमारे mind के बारे में क्या बताता है? तो लैंग्वेज का आना और ये जो हमने एग्जाम्पल्स लिए मेटाफर्स एंड एनालॉजी ये एक बड़ी फंडामेंटल चीज़ बताता है हमारे माइंड के बारे में वो है हमारी इंटेलिजेंस और क्या बताता है कि हम में ऐसा कॉग्निशन ऐसी कॉग्निटिव कैपेबिलिटी या फिर इंटेलिजेंस है या थी मतलब जब एवोल्यूशन हिस्ट्री में आई जिसकी वजह से हम चीज़ों के अंदर पैटर्न ढूंढ सकते थे या फिर किसी भी चीज क्यों की एब्स्ट्रैक्शन कर सकते थे तो फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि कोई भी एग्जाम्पल ले लो कोई भी उदाहरण ले लो जैसे आ, जैसे पानी बह रहा है तो हमें इतनी समझ थी कि ये जो भी होता है ना ये पदार्थ लिक्विड कोई और तरह का भी लिक्विड पदार्थ होगा वो भी ऐसे ही बहेगा फॉर एग्जाम्पल या फिर मतलब मैं बता रही हूँ कि उन्होंने क्या सोचा होगा आपने पूर, पूर, उन एंडसेस्टर्स ने।, ने मतलब जो अर्ली ह्यूमंस रहे होंगे या फिर पत्थर है गोल है वो ऐसे लुढ़कता है तो उनको ये पता है कि जो गोलाई है ना ये लुढ़कती है एज स्क्वेयर या फिर कोई और शेप का चीज़ लुढ़कती नहीं है तो उन्होंने शायद व्हील्स बना लिए इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया कि ओह अच्छा ये गोल गोल चलता है आगे तो हम संग ऐसे आइडिया so इज़ कि कोई ऐसी चीज़ें उन्होंने ईजाद की होंगी इस समझ के साथ इस कॉग्नेटिव कैपेबिलिटी से के साथ क्या कि हम कोई भी चीज़ कोई भी नया फिनोमिना भी देखते हैं नेचर में नेचर में ही रहते थे पहले तो नेचर में ही देखेंगे फिनोमिना हम बड़ी जल्दी पैटर्न रिकोगनाइज़ कर सकते थे उसके अंदर उसको एब्स्ट्रैक्ट कर सकते थे अपनी समझ के अकॉर्डिंग एक बड़ा सिंपल उदाहरण एक और दूँ अभी तो हमें नज़र नहीं आता बट सोचो उस टाइम पर जब कुछ सिटीज को लाइट नहीं थी तारे इतने सारे तारे उन तारों में उन्होंने अपनी एब्स्ट्रैक्ट कर ली फिगर्स तो कई तारे चम्मच की तरह नजर आते हैं hmm. <laughs> कई तारे बैर की शेप में नजर आते हैं कई hmm. तारे एक हल की तरह दिखता है एक हल की तरह तो क्या है वो वो हमारी एबिलिटी है क्या केओस में कुछ ऑर्डर ढूंढ लेने की मैं समझा तो हम ची... हम 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 चीज़ों में पैटर्न्स ढूंढ लेते हैं आ, ये है हमारी इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस तो और इंटेलिजेंस एक तो हम पैटर्न ढूंढ लेते हैं और उस पैटर्न को झट से रिलेट कर लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ से जो हमने देखी जो हम जानते हैं जैसे तारों के अंदर बैर क्यों क्यों क्योंकि क्यों क्यों बैर हमें दिखता है या फिर हल क्यों क्योंकि हल भी हमने बनाया देखा फिजिकली प्रेजेंट है या फिर चम्मच क्यों तो मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि फिजिकल थिंग्स से जो भी हमारी समझ में चीजें हैं उससे हम झट से रिलेट कर लेते हैं चीजों को अपनी समझ में अपनी नॉलेज के लिए ये हमारी इंटेलिजेंस है एब्स्ट्रैक्ट करना एब्स्ट्रैक्ट मतलब पैटर्न समझा समझा नहीं एब्स्ट्रैक्शन मुझे क्या होती है एब्स्ट्रैक्ट मतलब पैटर्न रिकोगशन एब्स्ट्रैक्ट मतलब पैटर्न रिकोगनाइज करना hmm. जैसे तारों के अंदर हमने पैटर्न hmm. ढूंढ लिया इसका मतलब उसमें एक एब्स्ट्रैक्शन ढूंढ ली हमने नहीं तो उस एब्रैक्ट के बिना तो तारे तारे, तारे इतने सारे बिखरे हुए हैं क्या फर्क पड़ता है कुछ नहीं दिखेगा ना तो इससे तो फायदा क्या हुआ हमें अब देखो फायदा ही फायदा है हमारी पूरी इंटेलिजेंस इसी पे बनी है जैसे हमने रियलाइज किया फॉर एग्जाम्पल उन उन सोचो ये मैं बताती हूँ भी कहानी चालू हुआ है हमारी स्टार्ट हुई है समझ लो टू हन, वन हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड टू

और हमने ये भी बात की थी कि उस टाइम तक हम जानते हैं कि वो ग्रुप्स में रहने लग गए थे मतलब और फायर का यूज़ भी कर रहे थे तो इसका मतलब उनका ब्रेन्स भी हमारे मतलब फायर का यूज़ कर रहे हैं ग्रुप्स में रह रहे हैं अब ग्रुप्स में रहते हुए हुँ. ग्रुप्स में तो और भी जानवर रहते हैं मंकीज चिम्पैसीज वुल्वस हम में क्या स्पेशलिटी थी ऐसी हुँ. हमने लैंग्वेज का यूज़ करना शुरू कर दिया और लैंग्वेज 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 का का यूज़ करना शुरू किया इसका मतलब हमें इंटेलिजेंस भी थी तभी हम अपनी अंडरस्टैंडिंग में, में डाल लेना ये बड़ी ये मैं समझना हूं। ये में समझ गया। मतलग... बताते हेल्प में करेगा सोचो ग्रुप्स में रह रहे हो तुम अब तुम आके मुझे बताओगे कि ये देखो ये शेर है ये एक है उस टाइम मेहमत बड़े बड़े मेहमत होते थे हाथी जैसे हाँ कि इस मेहमत को कभी एक बारी एक ग्रुप ने झुंड ने कुछ करके समझ लो मारा हंटिंग की उसकी अब उन्होंने रियलाइज किया कि ओ हमने ये ये चीज अच्छी की नेक्स्ट टाइम भी करेंगे प्लानिंग प्लानिंग पैटर्न रिकोगनाइज कर करके प्लानिंग करनी शुरू कर दी तो हम देखते हैं तो इस इन ग्रुप्स के इनकनाइज किया हमने जैसे मतलब हंटिंग में कुछ भी पैटर्न रिकग्नाइज किया होगा कि उसके सर पे मारोगे या उसके पैरों को पहले मारोगे तो नीचे गिर जाएगा उसको आसानी होगी मारने में, में समझा अच्छा मतलब कोई भी लर्निंग किसी तरह की भी? में को स्ट्रगल क्यों क्योंकि ये भी इतनी ऑब्वियस चीज है ना तो तू कहना चाह रही है जब भी हम कोई चीजों के बीच में कॉमनलिटी ढूंढ लेते हैं कि ये 15 20 चीजें सब अलग हैं हर जानवर के लिए वो 15 20 चीजें अलग होंगी जैसे पत्थर मान लो बाकी जानवरों को लगेगा सारे पत्थर अलग बट <laughs> हम पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लेते हैं ये पत्थरों में एक चीज कॉमन है हाँ। ये सारे गोल पत्थर हैं हाँ। तो ये गोल पत्थर में एक चीज कॉमन होती है कि उसको जब ऐसे हिल से फेंको तो वो रोल करते हैं रोल करते हैं तो ये कॉमनलिटी है तो ये हम एब्स्ट्रैक्शन या पैटर्न रिकॉग्निशन कर हाँ। लेते हैं कि भी कोई भी अलग-अलग विभिन्न चीजों में कॉमनलिटी क्या है एब्स्ट्रैक्शन हाँ, या पैटर्न रिकॉग्निशन तो वो अभी हाँ, इससे तो बहुत फायदे हो सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल हाँ। हम इन चीजों का भी पैटर्न रिक्निशन कर सकते हैं कि जी पाया ये गया है कि यहाँ पे थोड़ी सी हमने जो भी चीजें खाई यहाँ से खाने से लोग मर जाते हैं तो हमने पैटर्न रिक्निशन कर लिया हाँ। कि ये चीजेंटली exactly. हाँ ये ऐसी दिखने वाली जितनी चीजें उससे दूर, दूर क्यों <laughs> पैटर्न ये लग रहा है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें खाते हैं वो मरते हैं जैसे हाँ, वाइल्ड बेरी, हाँ, बेरी हाँ, बेरीज होते हैं वाइल्ड मशरूम कुछ भी मतलब अब अब सोचो इसका तुम हंटिंग में प्रयोग कर सकते हो अभी क्या चल रहा है मोटा मोटा प्रोसेस लर्निंग चल रही है दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट वी सी दैट देव स्टार्टेड लर्निंग थिंग्स फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस कि उन्होंने उन्होंने देख लिया रिपीट पैटर्न कहाँ आ रहा है रिपीट पैटर्न कहाँ आ रहा है इसको खाने से अच्छा लगता है इसको खाने से बुरा लगता है ये खाना मत इसमें टेस्ट अच्छा नहीं है इसका टेस्ट अच्छा है तो वैसे ही पौधे ढूंढो या फिर ये जानवर जल्दी मरते हैं ये जानवर जल्दी से नहीं मरते हैं फॉर एग्जांपल राइनोस को हम खाने में दिक्कत होती है तो उनको नहीं मारो जो जो मर सकते हैं जल्दी उनको मारो मेहमत को मारने से ज्यादा देर तक हमें फूड मिलेगा किसी और को जानवर से नहीं मिलेगा तो मेहमत को कोई भी लर्निंग की ही फंडामेंटल ये प्रोसेस है पैटर्न रिकन ऐसे तो सीखेगा आदमी कि अच्छा भाई जब बारिश होती है तो हम हाँ, हमें शेल्टर में जाने से भिकेंगे नहीं बताओ हाँ, नहीं, नहीं। 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 तो, तो बड़ा बेसिक हो गया हमें हाँ, समझ गया कि ये ये बड़ा बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ आग लगी है जब हाँ। बारिश होती है आग बुझ जाती है ठीक है फिर अगले महीने आग लग गई जंगल में बारिश हुई आग बुझ गई सही फिर अगले महीने आग लग रही है जंगल में आग चल रही है चल रही है चल रही है रुकी नहीं फिर अगले महीने जंगल में आग लग गई बारिश हुई आग बुझ गई ऐसा कोई बंदर होगा भाई कुछ तो चक्कर है भाई पा... गए <laughs> पानी आता है आग बुझती है ये तो हाँ, पैटर्न है पैटर्न है हाँ। कि पानी और किसी ने... पे विजय प्राप्त एक वो गेम हाँ, है ना रॉक पेपर से हाँ, उससे आ गया कि पेपर पे... उसमें एक्चुअली पानी नहीं होता anyways, हमने बट एनीवेज जैसे कंप्यूटर्स कम, की फील्ड में जो सबसे बेसिक चीज होती है ना वो होती है इफ देन लूप इफ दिस तरीके का पैटर्न है कि यार मैं देख रहा दिस

या तारों को हमने चम्मच से जोड़ दिया या हल से जोड़ दिया ये क्या है ये क्योंकि हमें वो चीज़ पता थी ऑलरेडी वो चीज़ें नहीं पता थी पर हमने उनको हमें दिखा पैटर्न और उसके अंदर हमने ढूंढ लिया और फिर हम यूज़ करने लगे और वैसे जनरली रिपिटिशन से हमारी लर्निंग होती है कि रिपीट पैटर्न रिपीट पैटर्न रिपीट पैटर्न इन टर्म्स ऑफ वॉट हंटिंग में हमें कोई रिपीट पैटर्न दिखा हमारे फॉरेजिंग कर रहे थे मतलब हम जो एक एरिया के अंदर इकट्ठा करते थे अपना खाना वाना पीना उसके अंदर हमने एक पैटर्न ढूंढ लिया कुछ चीज़ों से शायद लोगों को तबीयत खराब होती होगी तो उनको छोड़ दिया तो एक कंटिन्यूस सोचो ओवर सो मेनी ईयर्स उनको कितने लोग तो मर गए होंगे सोचो एक्सपेरिमेंटेशन में कि ये कि चलो कुछ गलत खा लिया तो आई एम सेंगे एक एक करके ये लर्निंग बढ़ती गई दूसरे जानवर में भी मे भी हम देखते हैं कुछ कुछ लर्निंग फॉर एग्ज़ाम्पल चिम्स के अंदर इनफैक्ट एक बड़ी फेमस हमने डॉक्यूमेंट्री देखी थी थोड़े दिन पहले जेन mm. mm. so she so, दिखाया, so, दिखाया था कैसे चिम्प भी चिंपेजी कैसे घास लंबी लंबी घास का यूज करके कैसे स्टिक्स एक तरह से उसको ऐसे स्टिक की तरह यूज करके और होल्स में डाल रहे थे कुछ और इंसेक्ट्स निकलते उनको तो खाते थे तो वो बड़ा अजीब वो, वो कैसे कर पा रहे थे कि वो और वो सोचो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं पौधे वो कोई दिमाग में मतलब बचपन से पैदा होते लेके नहीं आएगा दैट मीन्स उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जनरेशन टू जनरेशन उसको सीखा है किसी तरीके से और फिर किसी ने बिहेवियर देखा होगा और नेक्स्ट तो तू कहना चाह रही है कि ये

स्पोकन लैंग्वेज थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट एंड पास ऑन इंफॉर्मेशन तभी ग्रुप्स में रहने से ये फायदा हुआ है कि इट्स नॉट ओनली कि मैंने कुछ अकेले लर्न किया तो मैं अपनी लर्निंग अपने फायदे के लिए लगाऊंगी नहीं लैंग्वेज से एक हमने पहले मैंशन किया था कि कलेक्टिव लर्निंग होनी स्टार्ट हो गई कि तुम कुछ लर्न करके आते हो कभी मैं कुछ लर्न करके आती हूँ कभी तो हम आके बात करते हैं और हम एक कलेक्टिव लर्निंग ले रहे हैं तो मुझे तुम्हारे एक्सपीरियंस के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है अब जैसे अभी बुक्स है ये बुक्स के थ्रू मैं क्या कर रही हूँ आई एम नॉट गोइंग थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ दी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स आई एम जस्ट टेकिंग देयर एक्सपीरियंस लर्निंग इट फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस न समझ गया जैसे तो, कि कोई हमारा पूर्वज होगा हाँ। मान लो वो नदी में गया उसका पैर फिसल गया हड्डी टूट गई तो वापस आया होगा। बोले भाई वहाँ ध्यान से हाँ। भाई हाँ भाई रखूंगा हाँ। बेचारे की है। वो, वो, जि, जि, जिसकी हड्डी नहीं टूटी होगी ना वो चालीस लोगों को आ जाएगा भाई हाँ। मेरा दोस्त है सब बोलेंगे कहा बता दो तो किसी और के अनुभव से हम सीख सकते हैं भाषा के थ्रू हमें खुद उस अनुभव को करने की जरूरत नहीं है कलेक्टिव लर्निंग होनी स्टार्ट हो गई होगी इन ग्रुप्स में हम देखते हैं इस पर सबसे बड़े अभी लर्निंग हम किस किस के लिए यूज़ कर रहे हैं मैंने बताया हंटिंग के लिए अपने अपने फूड के लिए बेसिकली और मतलब प्लांट्स की नॉलेज के लिए वेदर की नॉलेज के लिए कि कब किस टाइम किस मौसम में रहना चाहिए जब मौसम थोड़ा ठंडा होना शुरू हो जाए हमने रियलाइज़ किया कि ठंड के बाद थोड़ी और ठंड बढ़ जाती है उससे पहले निकल जाना चाहिए तो शायद मूवमेंट भी चालू हो गई होगी हमारी एक जगह से दूसरी जगह दूसरी जगह से तीसरी जगह अब हम देखते हैं इसके अंदर सबसे बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ हम जो करने लगे जिससे हमें बहुत फायदा हुआ हमें अच्छी चीज़ सिर्फ यूटिलिटेरियन टर्म्स में बोल रही हूँ मतलब उससे हमें बहुत यूटिलिटी हुई मतलब हमें बहुत फायदा मिला वो थी सिर्फ इंफॉर्मेशन हंटिंग गैदरिंग या इसके बारे में वेदर के बारे में ही नहीं इंफॉर्मेशन पास ऑन करना अदर ह्यूमन बींग्स के बारे में जिसको आज हम सरल भाषा में बोलते हैं <laughs> <laughs> तो, तो गॉसिप बहुत पहले चालों पहले चालू की तो हम देखते हैं कि एक दूसरे के बारे में चुगली करना है. हाँ <laughs> और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्यों क्योंकि जब आप ग्रुप्स में रह रहे हो तो अगर मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है कि तुम कहाँ से आए तुम्हारे पेरेंट्स कौन हैं भाई बहन कौन है क्या खाते है, तो मुझे काफी कुछ पता है पीपल इन अ ग्रुप कैन ट्रस्ट ईच अदर एज लॉन्ग एज दे नो ईच अदर और वो कैसे नोई अदर होगा? मैं जाके अगर तुम्हें डेली तुमसे बात करते तो हो जाएगी मैं समझ गया के करना किया। अब गॉसिप को मजाक में नहीं लेना चाहिए गॉसिप करना जरूरी था हाँ। एक दूसरे पे भरोसा कैसे करें भाई तुम्हें कहीं और जंगल से आ रहा कोई गुट कैसे मान जाए तो पहले थोड़ा साथ में रहने लगे होंगे पर शक रहता होगा कि पता नहीं पे भरोसा मत करो अभी एक दूसरे से गॉसिप क्या चलता है यार हाँ। कहां जाता है शाम को अपने जाता है पेड़ के नीचे करता क्या है वो हां मैं बताता हूं <laughs> देखो उसके कैसे ऐसे एग्जैक्टली और मैं बातें करने लग गए हूं किसको ट्रस्ट करना है किसको नहीं करना है कौन आ, किस कैसा आदमी है उस सब चीजों के बारे में मतलब और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक ग्रुप में रह रहे हो तो कोई लॉ एंड ऑर्डर तो है नहीं जैसे आज के डेट में है तो आप कैसे करोगे भरोसा कि भाई वो तुम्हें मारेगा नहीं रात को आके <laughs> तो ये जो एक चीज है गॉसिपिंग इट तो वाज वेरी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट देखो अब कैसे आज की रेट में भी हम खरीद करते ही हैं वैसे ऑफिस ऑफिसिस में क्या चलती है मतलब थोड़ी सी सिर्फ यही चलता है मैं मैं एक चीज बताऊं कॉलेज में लगता था आज से 10 साल पहले जब मैं कॉलेज से निकला कि योर बड़े लोग हैं बड़ी बड़ी काम करते हैं सब जितने बड़े बड़े जो <laughs> सीईओज़ वगैरह हैं वीपी वगैरह हैं जो दुनिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट चलाते हैं बड़े सीरियस लोग होंगे काम करते होंगे जितना मैं अपने करियर में ऊपर जा रहा हूँ ना मुझे ये लगता है कि जितना ऊपर जाओ ना ये गॉसिप उतनी ही बढ़ती रहती है और ये मैं बढ़ती तो exactly. नहीं पर कम नहीं होती मुझे हाँ। लगता था ये गॉसिप ना सिर्फ नीचे वाले लोग करते हाँ, हैं जैसे हम कॉलेज से निकले तो सत्तर परसेंट टाइम हम एक दूसरे की गॉसिप करते गौसिप रहते करते। यार उसकी तो पैकेज बहुत ज्यादा लग गई उसकी सैलरी लग गई उसकी तो नौकरी में यार वो गूगल वालों को तो खाना भी मिलता है ये वो है, उनको तो ऑफ साइड पे गोवा लेके गए यार उनको तो बैंकॉक लेके करते हैं ये सब चलता रहता था पर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये आप करियर के हर लेवल पे दिखता है मेरे ख्याल से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लेवल पे भी होता होगा गॉसिप वगैरह कि यार ममता बनर्जी ने ऐसे कैसे बोला यार उसके बारे में ये वो <laughs> हाँ यार सही में मतलब तो हर लेवल पे हर तरह के क्या बोलते हैं ना स्पीयर में, में समझ लो स्पीयर मतलब कोई भी सर्कल ले लो पॉलिटिकल सर्कल उठा लो कॉरपोरेट सर्कल <laughs> <circle> उठा लो <laughs> स्पोर्ट्स का सरक, कुछ भी न्यूज न्यूज तो सबसे बड़ा न्यूज सोचो जर्नलिस्ट एक ऐसी चीज है पब्लिक गॉसिपर्स इन लाइक एक्चुअल फिलोसफिकल टर्म्स इफ यू थिंक अबाउट इट वाई बिकॉज दे कीप चेक ऑन हू इज डूंगट

हमें एक दूसरे पे भरोसा करना बड़ा जरूरी है क्यों क्योंकि आज की तारीख में तुम भी देख रही है तुम मुझसे हंस के बात करती है हमें करीबन सात आठ साल हो गए एक साथ में रहते हुए तो मुझे भरोसा है कि भाई एक रात को तू मेरे चाकू <laughs> लेके तू मेरे जान... <laughs> एक रात को। पर कहने का मतलब यह है कि मुझे क्या पता कि मैं किसी और के साथ हूँ क्या चल रहा है अभी मैं तेरी शक्ल देख रहा हूं। सही बात है तेरी शक्ल के पीछे क्या है? देख असली में हम किसी की भी शक्ल देखते हैं हमारे जो एक फेस होता है ना उसके पीछे क्या है हमें क्या पता है यार टेक्निकली तो हमारे फेस क्या है स्किन ही तो है स्किन के पीछे थोड़ा मांस होता है हड्डियां होती हैं और हड्डी के पीछे पता नहीं क्या होता है यार तो एक, एक इंसान एक बहुत तक तकनीकी मशीन है उसके मन में क्या चल रहा है किसको पता तो ये गॉसिप से मैं समझ सकता हूँ कि क्या हुआ होगा यार एक दूसरे के बारे में गॉसिप करने से ये पता चल जाता होगा कि उसकी हरकतें कैसी कैसी नहीं फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई आदमी था जो बोलता होगा कि हाँ उधर खाना है उधर चलते हैं उस वाले जंगल में ले जाके आदमी को मार के उसी को खा लेता होगा hmm. तो गॉसिप से ये भी पता चला होगा इतने सारे इंसान है किसकी मानसिकता कैसी है किसकी कैसी हम आपको क्या पता गॉसिप से पता चलता है तो इससे क्यूं, जो हमारे ग्रुप्स है ना इसमें बोलते हैं सोशल ग्रुप्स के अंदर गया मतलब एकजुट हो के अभी रह सकते थे क्यों भाषा ने हमें हमारी हेल्प की ग्रुप्स में रहने में क्योंकि हम सिर्फ नेचर और हमारे खाने पीने के बारे में ही नहीं और आदमियों के बारे में भी जानकारी ले पा रहे थे hmm. पर इसमें एक क्वेश्चन आता है अभी देखो कि कितने ग्रुप्स रख सकते हो तुम ऐसी ऐसी जानकारी के लिए क्वेश्चन पूछा कई साइंटिस्ट ने कि कितने बड़ा ग्रुप रह सकता है कि मैं सबकी जानकारी रखूं कोई तो लिमिट होगी हमारा ब्रेन इतना बड़ा तो नहीं है कि कितनों की जानकारी रखोगे भाई <laughs> मतलब कितने लोगों की जानकारी रख सकते। हाँ तो इसकी भी तो कोई लिमिटेशन होनी चाहिए तो एक साइंटिस्ट थे हैं इनफैक्ट थे नहीं ही इज़ अ आई थिंक इज अ न्यूरो एंथ्रोपोलॉजिट ऑल्सो हीज़ अंथ्रोपोलॉजिस्ट सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो ये स्टडी um, करते हैं इसकी um, उन्होंने हिज नेम इज़ रॉबिन डनबार एंड आई थिंक हीज़ इन स्टैंड ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी सो उन्होंने एक्सपेरिमें अगे उन्होंने प्राइम ही इज़ ऑल्सो प्राइमेटॉल जिस तो प्राइमेट्स में देखा कि कितने बड़े बड़े गुट हैं ग्रुप्स हैं तो कई तरह के बोनोबोज एक तरह के मंग प्राइमेट्स की मतलब प्राइमेट्स हैं एक हमारे चिम्प्स हो गए प्राइम्स हैं एक हमारे गोरेला हो गए या फिर हमारे मंग नॉमल और टैन मंकी हो गए इन सब की स्टडी की उन्होंने कि इनके ग्रुप्स कितने बड़े होते हैं तो ये भी तो ग्रुप्स में रहते हैं तो क्या हम हाँ कुछ स्टडी कर सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कुछ पैटर्न रिकगनाइज कर सकते हैं इसे कुछ कुछ एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हैं तो उन्होंने पाया कि एक कोरिलेशन है कोरिलेशन मतलब एक रिलेशन है दो चीज़ों के बीच में क्या ब्रेन साइज में और एक उनके गुट के साइज में तो समझ लो अगर प्राणी का जितना बड़ा ब्रेन साइज हुआ उस प्राणी के उतने ही बड़े गुट साइजेस होंगे ग्रुप साइज हाँ पर उन्होंने ये पता किया कि इसके अंदर लिमिटेशन है कि जितना चिम्प का ब्रेन साइज़ बड़ा है उस हिसाब से वो शायद कुछ पचास लोगों पचास सॉरी पचास चिम्प्स का ग्रुप हो सकता है मैक्सिमम उससे बड़ा होता है तो उनके ग्रुप्स बिखर जाते हैं उनमें तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं या तो वही देखा उन्होंने सोशल नेचर जैसे हमारा है कि मतलब नहीं रख पा रहे वो बैलेंस मतलब पचास से ऊपर होते ही तो उनके ग्रुप्स टूट जाते हैं लड़ाइयाँ ज़्यादा हो जाती हैं एक दूसरे को खा जाते हैं ऐसे और ग्रुप्स के बारे में देखा और हमारा ब्रेन साइज़ फिर उन्होंने हाइपोथेसाइज़ किया कि अब देखो उनका ब्रेन साइज जितना है और उनका ग्रुप साइज़ जितना है तो जो रिलेशन है अगर वो हम पे भी लगाया जाए हमारा ब्रेन जितना बड़ा है तो पता चलता है कि हमारी भी कैपेसिटी 150 लोगों की इन्फॉर्मेशन रखने से ऊपर नहीं है हमारी लिमिटेशन है डेढ़ लोगों तक का हम ग्रुप ग्रुप में रह सकते हैं विदाउट एनी लॉ एंड ऑर्डर जैसे हमारे लॉ एंड ऑर्डर है रखने पड़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे बीच में लड़ाइया नहीं होंगी डेढ़ सौ लोगों तक शायद हम फिर भी चला लेंगे एक दूसरे के बारे में जान लेंगे ग्रुप्स में रह लेंगे तो so, ग्रुप की कोहिजन बनी रहेगी बट डेढ़ सौ से ऊपर जाएगा ना तो हम नहीं रह सकते ग्रुप्स के अंदर तो फिर ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है की डेढ़ सौ से नहीं है तो डेढ़ का क्या ही आंकड़ा है हमारी इंसानों की कि हम डेढ़ सौ लोगों के से ज्यादा बड़े ग्रुप में नहीं रह सकते नहीं मतलब हमारे नहीं रह सकते होंगे पहले एनसेस्टर अच्छा कि हमारे ब्रेन में डेढ़ सौ लोगों से ज्यादा लोगों information की इन्फॉर्मेशन रख नहीं सकते अच्छा हम जैसे वा वा हाँ, कर सकते। मैं समझ गया अच्छा मैं समझा क्या तू कह, कहना चाह रही है कि एक बार में भाई तुम डेढ़ सौ को ही अच्छे से जान सकते हो जैसे मैं अपनी लाइफ में ले लेता हूँ बोल दिया। को लगता है। तो, से 50 <laughs> को तो, तो और भी ज़्यादा मतलब बोल तो हाँ। जिन जिनको आप जानते हो पहचान पहचानते जिनको आप जानते हो।, हाँ। हो, जानते हो मतलब डेली जिस छोटा गाँव टाइप मान लो डेढ़ सौ लोगों का है तो ठीक है चल रहा है मतलब आप एक दूसरे को जानते हो पहचानते हो सब ट्रस्ट है तो जो हमने चिम्स का एग्जाम्पल लिया कि पचास से ऊपर होता है तो उनके बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं ऐसे हम देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स में भी शायद डेढ़ सौ से ऊपर का भी ग्रुप्स रहे होंगे तो जल्दी ब, बड़ी जल्दी लड़ाइयाँ हो जाती होंगी उनमें क्यों क्योंकि उनमें ये डिस्ट्रस्ट लड़ाइयाँ किससे होती हैं डिस्ट्रस्ट की वजह से कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता भाई ठीक है तो मतलब हम एक दूसरे की गॉसिपिंग इससे ऊपर शायद नहीं रख पाते होंगे नाउ इट बेग्स द क्वेश्चन कि एक सेकेंड आज के डेट में तो ऐसा नहीं है मतलब हम इतने बड़े बड़े ग्रुप्स हैं ही हमारे इतना डेढ़ सौ छोड़ो डेढ़ इनफैक्ट हमारे चैनल के अंदर अभी तो डेढ़ सौ का ग्रुप बना हुआ है <laughs> अभी आज नोट देखा मैंने कि डेढ़ सौ सब्सक्राइबर्स थे तो इससे ऊपर भी हैं मैंने देखा millions millions है मिलियंस एंड मिलियंस हैं ग्रुप्स बने हुए वो कैसे रह रहे हैं ग्रुप्स के अंदर तो ऐसा क्या हुआ कि हमें ऐसी कैपेबिलिटी आ गई कि हम डेढ़ से ऊपर के ग्रुप्स बना पाए और उनमें कोऑपरेशन ला पाए इन छोटे ग्रुप्स में तो हम देखते हैं कि कोऑपरेशन जल्दी से आ रहा था अच्छा मैं समझा कि आज भारतवासी वास, भारत हैं 130 हाँ। करोड़ वो कैसे एक साथ रहते हैं हाँ। एक, एक तो कैसे हाँ। रह रहे हैं, हाँ। तो रहे हैं? क्योंकि एवोल्यूशनरी स्पीकिंग हमारे ब्रेन में हम सिर्फ डेढ़ सौ लोगों की जानकारी रख सकते हैं तो एक दूसरे पे भरोसा कैसे करते हैं इस डेढ़ सौ को बोलते हैं अगेन रॉबिन डनबार के नाम से रखा गया है वन फिफ्टी इज डन नंबर फॉर होमोसेपियंस बेसिकली तो ये क्वेश्चन का आंसर फिर बहुत अच्छे से दिया गया सेपियंस बुक में नो हरारी बोलते हैं कि डेढ़ सौ से ऊपर अगर ग्रुप जाता है या ये लार्ज कॉपरेशन जो बोलते हैं ना कॉपरेशन अमंग ह्यूमन बींग्स इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑल ऑफ अस बिलीव इन अ कॉमन मिथ और अ स्टोरी कॉमन स्टोरी होनी जरूरी है hmm. और कॉमन स्टोरी कहाँ से आएगी भाषा से हमारी इंटेलिजेंस हमें इसमें हेल्प करती है कैसे हमने लास्ट टाइम मेंशन किया था जिसके बारे में हम इतना इलेबोरेट नहीं किया मैंने कि हमारी भाषा हमें सिर्फ हमारे आगे पीछे की चीज़ों के बारे में ही नहीं जो इमेजिन्ड चीज़ें भी हैं मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करती हमारी इमेजिनेशन में है उसके बारे में भी बताने में काम आती है जैसे अब मेरे को कुछ सपना आया नहीं एक्चुअल में थोड़ी हुआ था वो पर मैं तुम्हें बता दूंगी फिर भी क्या अरे ये हुआ था ये हुआ था मेरा ड्रीम था बट मेरे लिए तो ड्रीम था मैंने तुम्हें बताया और तुम्हें सुन लिया और तुमने कहा रे हाँ ये वो तो ये जो कॉमन मिथ्स हैं या कॉमन स्टोरीज हैं ये हम तभी बना सकते हैं जब हमारे पास भाषा हो ऐसी लैंग्वेज और लैंग्वेज भी ऐसी हमारी इंटेलिजेंस भी ऐसी जिसे हमें हम रियालिटीज बतालिटी बता सके अपनी तो कुछ क्या, क्या उदाहरण दे देते उदाहरण तो इतने निकल सकते <laughs> हैं इसके फॉर <laughs> बोलते कि सब तरह के लार्ज कोऑपरेशन आज के डेट में देख लो फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स जिस देश में हम रहते हैं हाँ, कॉमन स्टोरी है यहाँ पे कि सब विश्वास करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में कि <laughs> कि एक हम एक रखते हैं कि एक हम विश्वास हैं कंट्री है यानी इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है इसका एक लॉ है हम विश्वास रखते हैं लॉ law, जो लॉयर्स हैं वो एक चीज में विश्वास रखते हैं किस अच्छा, में? मैं तेरी में। बात कि यूनाइटेड है कहानी है जमीन है घास है पानी है यूनाइटेड स्टेट्स का तो हमने कहानी बना ली है देखो लॉ फॉर एग्जांपल सब लॉयर्स के लिए क्या है एक कॉमन कॉमन स्टोरी है जिसमें वो सब बिलीव करते हैं कि हाँ जी लॉ में बिलीव करेंगे हम <laughs> तो बेसिकली ये जो हमारी कॉर्पोरेशंस तुम्हारी कॉर्पोरेशंस नॉट कॉर्पोरेशंस कॉर्पोरेशन गूगल कहां है गूगल दिखा लाके दो मुझे यहां पे समझ रहा हूँ कि हम मिथ जिसको हिंदी में बोलते कई नाम निकाल सकते हो फिक्शन बोल सकते हो उसको झूठ नहीं बोल सकते बड़ा एक्सप्लूसिवली वर्ल्ड इनफैक्ट अभी तुम भी सोचो गूगल झूठ थोड़ी है गूगल एग्जिस्ट करता है या फिर लॉ झूठ काल्पनिक है काल्पनिक है झूठ और कल्पना में डिफरेंस

अगर अगर तुम किसी को जानते भी नहीं होगा किसी याद है हम यूरोप गए थे और तुम्हें कोई आ, मिल गया था तो कहने का मतलब कि अगर कोई और गूगल एम्प्लॉय तुम्हें मिल जाता चाहे तुम जानते नहीं हो उसको पर तुम झट से कनेक्शन बना लोगे उसके साथ कि अरे हाँ यार तुम हाँ उससे रिलेवेंट तो ये है ना कि एक बार मुझे अच्छी तरह याद है हम कहीं गए थे हम ड्राइव कर रहे थे मुझे अच्छे याद नहीं है यूरोप में कोई कंट्री था और थोड़ा सा रात का सन्नाटा टाइप टाइम था और हम थोड़े से डरे हुए थे कि यार कहाँ फंस गए फॉरन देश में और कोई इंडियन दिख गया था तो जैसे ही इंडियन exactly. दिखा और उसने हिंदी हिंदी भाषा बोलनी चालू की हमें लगा रहे भाई हाँ। बच गए क्यों जैसे पता नहीं क्या क्योंकि तो एक इंसान ऐसा मिला जो कि हमारी तरह एक मिथ में विश्वास करता है इस हिंदी भाषा में या हाँ। फिर भारतवासी हाँ। होने में या फिर जो भी हाँ, इंडियन है इंडियन है <laughs> बस हमें तो हम भरोसा कर सकते हैं तो अब ये पूरा, पूरा मोटा कहना चाह रही हाँ। तो जान हाँ। मतलब मिला मिला हाँ। हाँ। जानते, हो जानते हो हैं पर अब सात सौ आठ सौ करोड़ की पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है या किसी एक देश में पॉपुलेशन है किसी कंपनी में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कैसे आप कोऑपरेट करवाओगे सबके साथ तो एक शेयर्ड कॉमन स्टोरी होनी चाहिए सबके बीच में

अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे थे या हंटिंग के बारे में इन्फॉमेशन दे रहे थे फिर थोड़े बड़े ग्रुप्स होने लगे कैसे हमने देखा होगा कि हंडिंग गैदरिंग बढ़िया चल रही है थोड़े पॉपुलेशन हमने बढ़ानी शुरू कर दी थोड़े बड़े गुट होने लगे समझ लो डेढ़ सौ तक पर डेढ़ सौ जैसे ऊपर होते हैं हम देखते हैं कि नहीं संभल रहा अब कुछ चाहिए कॉमन स्टोरी चाहिए तो हमने इसी लैंग्वेज का यूज़ करके ऐसे कॉमन फिक्शन या कॉमन स्टोरीज निकालनी शुरू कर दी जिससे लार्ज स्केल कोऑपरेशन हो सके फैसिनेटिंग लाइक इफ यू थिंक अबाउट इट इफ यू रियली थिंक अबाउट इट हमारी तो पूरी की पूरी जो दुनिया है जो हमने रची है वो भाषा से रची है भाषा के बिना क्या है अभी तो हम आवाजें निकाल रहे हैं अभी कुछ भी बोलने लग जाए <laughs> ये जो पूरी हमारी Same. जो कहानी है मतलब मैं तेरा पति हूँ तू मेरी पत्नी है मैं गूगल hmm. में काम करता हूँ तो ऐसे ये सब कहानियां हैं hmm. इसमें सच क्या है मतलब देखा जाए तो लाइक मैं एक इंसान हूँ पति होना तो एक कहानी है जो बना ली है हमने वैसे ही मैं इंडियन हूँ ये भी एक कहानी है इंडियन होना क्या होता है मैं तो मनुष्य हूँ ये तो कहानी बनाई हुई है मैं ताकि हम कोऑपरेट कर सके बाकी हमारे हाँ। जैसे जो भी इंडियन जा मानते हैं कि हर चीज जो भाषा पे डिपेंडेंट है एक तरीके से कहानी है क्योंकि क्योंकि सोचो ना कि हमने इट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि ये सब चीज़ें जो हम बना रहे हैं अब हम फिज़िकल रियलिटी से रिमूव कर लिया हमने अपने आप को इनफैक्ट जब से हम ये मेटाफोर्स एनालॉजी का यूज़ करने लगे तारों के अंदर भी पैटर्न ढूंढना क्या है एक रियलिटी जो है स्टार्स उससे उसको अलग कर लिया ना हमने जैसे उसमें स्पून देखी <laughs> अब उसमें हम कुछ देख कुछ और देख रहे हैं ये हमारी इमेजिन रियलिटी है यानी हमारे में एक क्षमता है किस चीज़ की

एक और बड़े फेमस प्रोफेसर uh, भी हैं और मतलब रिसर्चर भी हैं एरिक आर कैंडल ही इज अ स्पेशलिस्ट ही इज़ अ न्यूरो इज़ अ कागनेटिव साइंटिस्ट एंड ही इज अ न्यूरो साइंटिस्ट ऑल्सो एंड कॉगनेटिव साइंटिस्ट एंड ही स्पेशलाइज इन मेमोरी तो उनका कहना यह है देखो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अभी हम बात करते आ रहे हैं एक लर्निंग चल रही है शेयर्ड लर्निंग तुम मुझे कुछ आके बताते हो मैं कुछ बताती हूँ तुमने मुझे कभी कुछ इमेजिन रियलिटी भी बताई होगी कि अरे यार मैंने तो ये देखा और ये तो मैं सुन लूँगी मान लूँगी उसमें सच है झूठ है वो बात अलग है बट वो तुम्हारी बोली हुई चीज़ को मैं मानूंगी ज़रूर कि हाँ तुम बोल रहे हो तो हाँ हुआ ही होगा तो एक शेयरड लर्निंग चलती रही चलती रही चलती रही हमारी मेमोरी एक्सपैंड होती गई ह्यूमन बींग्स की हमारी जो मतलब पुराने ग्रुप्स में रहने वाले लोग हैं अब ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं हंड्रेड थाउजेंड से मैं बता रही हूँ कुछ एट्टी थाउजेंड से लास्ट फोर्टी थाउजेंड ई तक हमें ये भयंकर रेट से बढ़ा है क्या शेयर्ड hmm. लर्निंग इसको know, अपनी बुक में बोलते हैं इसको कि हमारी कॉग्निशन में इतना भयंकर एनहेंसमेंट uh, हुई है जस्ट ओवर अ स्पैन ऑफ अ फ्यू थाउजेंड इयर्स कि हम इतनी शेयर्ड लर्निंग और हमारी मेमोरी इतनी एक्सपैंड हो है क्यों क्योंकि मेरे मैंने जो सीखा तुमने सीखा हमने शेयर्ड लर्निंग की ये यहीं पे स्टॉप नहीं हुई बच्चे जो हैं हमारे ग्रुप्स के अंदर उनको भी बताया फिर उन्होंने आगे बताया फिर उन्होंने आगे बताया फिर अब ये एक बार जो स्टार्ट हो गई है शेयर्ड लर्निंग और जो हम लर्न कर रहे हैं कंटिन्यूसली ये आगे भी प्रोपिगेट कर रहे हैं जेनरेशन से जेनरेशन hmm. किसके थ्रू इसको हम बोलते हैं कल्चर्स <laughs> तो कल्चर्स कुछ नहीं ये ऑफ़ जो बिहेवियर्स है ना हमारे बेस्ड ऑन शेयर्ड स्टोरीज़ अलग-अलग तरीके का जो व्यवहार है बेस्ड ऑन वॉट दीज कॉमन मिथ्स या कॉमन स्टोरीज लेट मी कॉल देम ए स्टोरीज़ ओनली बेस्ड ऑन दैट उसको कल्चर बोलते हैं और एक्चुअली ट्रेडिशनल भाषा में ये जो कल्चर है ये जब Evolve होता होता है है ये भी change होता है क्योंकि हमारे लर्निंग चेंज होती है हम कुछ चीजें अडॉप्ट कर लेते हैं कुछ चीजें छोड़ देते हैं कल्चर चेंज हो रहा है इस कल्चरल इस कल्चरल इवोल्यूशन को या इसकी लर्निंग को हम हिस्ट्री बोलते हैं <laughs> वो ट्रेडिशनल भाषा में तो जो जो इंग्लिश में जो टर्म है हिस्ट्री वो टेक्निकली चालू होती है जब से हमारा कल्चर आना शुरू और हमारा कल्चर इसलिए आ पाया क्योंकि हमने भाषा का प्रयोग

वो बोलते हैं कि हमारे कल्चर में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम एक एक दूसरे का व्यवहार को देख के इमिटेट करना शुरू कर देते हैं यानी मतलब तुमने कुछ किया आज और उनको बड़ा अच्छा लगा तो मैंने भी करना शुरू कर दिया जैसे तुमने ब्लैक कपड़े पहनने शुरू किए तो मैं भी कल से ब्लैक ही पहन के आ रही हूँ फॉर एग्जाम्पल तो वो एक तरह का जो इमिटेशन है जो हम देखते हैं ग्रुप्स में होता है नकलची बंदरपना हाँ उसको बोलते हैं मीम और ये, मीम वो जो इंटरनेट मीम इंटरनेट मीम्स meme. क्या है कि कुछ आपको एक अच्छी चीज चीज लगी अप्लाई करना शुरू कर दिया वही hmm. <laughs> तो मीम कैन 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 बी 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 एनीथिंग इट इट योर वे वी लाइक ड्रेस क्या है वो कुछ वायलिन या <laughs> कुछ टोन है ना उसके बेसिकली एवरी प्ले बॉन्ड थीम Of <laughs> तो ये सब थीम्स है बेसिकली हमारे हमने इतनी सारी मीम्स हैं हमारे कल्चर में चलती आ रही हैं और ये मीम्स चेंज होती रहती हैं अच्छी चीज इसकी क्या है अब देखो मीम्स आर जस्ट लाइक जीन्स जैसे हमारे जीन्स की हमने बात की थी डीएनए में क्या है हमारे ये फंक्शंस जो हम हमारे आइज़ का कलर हेयर का कलर हमारी स्किन का कलर या हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर डिक्टेट करती है hmm. ये मीम्स कुछ इस तरीके से ह्यूमन बींग्स का व्यवहार डिक्टेट करती है जैसे कुछ कल्चर्स में लहंगा पहना जाता है <laughs> तो वो सभी औरतें लहंगाई पहनती हैं <laughs> hmm. या साड़ी पहनी जाती है जैसे अग्रवाल में शायद साड़ी ज़्यादा पहनती औरतें क्या है वो मीम ही है कि कभी चली थी वो चलती आ रही है अच्छा तूने जीन्स से कंपेयर किया मीम हाँ, को है कि बड़ी फास्ट चेंज हो सकता है अनलाइक जीन्स इट कैन चेंज वेरी रैपिडली जैसे कि अगर ए, किसी के माँ और बाप दोनों की नीली आंखें हैं हाँ, तो हो सकता है बच्चे की भी नीली, आंखें हो क्यों क्योंकि माँ और बाप दोनों में नीली आंखों का जीन्स था

वैसे ही मीम फैलती है। <laughs> ah. तो ऑफ लाइक आइडियाज आइडियाज। आइडियाज। कल्चरल कल्चरल इट कैन बी जीन्स कल्चरल कल्चरल जीन्स। जीन्स। मीम्स आर यही नाम। तो ये रिचर्ड एक्चुअली एन एवोल्यूशनरी बहुत स्लो है एवोल्यूशनरी टर्म्स में बट hmm. ये जो मीम्स मीम एज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइक कल्चर कि कल्चर ये मीम्स के कई सारी मीम्स इकट्ठी हो जाती है तो कल्चर आता है जैसे hmm. और ये बहुत जल्दी चेंज हो सकता है बेस्ड ऑन अगेन क्या चेंजेस आए फॉर एग्जाम्पल ईरान में मैं देखती हूँ हम मैं एक्चुअली एक यूट्यूब पर वीडियो देख रही थी कि ईरान में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे अगैन फैश जो ड्रेस पहनते हैं उसमें कैसे चेंज आए

कि कुछ एक पैटर्न होता है चाकूओं में इसलिए चाकू को चाकू बोलते हैं और कुछ एक पैटर्न होता है तलवारों में इसलिए हम तलवार को तलवार बोलते हैं बट इट डिफाइन करना हमें नहीं पता हम कैसे उसको डिफाइन करें दोनों एक हाँ। जैसे होते हैं एक पकड़ने का और करने का हाँ। तो लैंग्वेज की तरह हमने थोड़ी सी चीजों को एबस्ट्रैक्ट कर दिया हाँ। कि जी हमें पता है कौन सी चीज चाकू है कौन सी तलवार है तो ऐसी दिखने वाली सारी चीजें उनको नाम दे दो चाकू हाँ। और ऐसी जो सारी दिखने वाली चीजें जिसमें शायद थोड़ी सी जो ब्लेड होती है वो लंबी होती है तो एक पैटर्न है तलवार इज अ पैटर्न तलवार एक्चुअली कुछ नहीं है क्योंकि हर तलवार अलग है देखा जाए तो सारे चाकूओं को एक साथ लाइन में लगाओ तलवारों तक तो हो सकता है कोई एक ऐसा चाकू होगा कि यार इसको चाकू बोले तलवार बोले समझ में नहीं आ रहा <laughs> तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि ये जो एब्स्ट्रैक्शन है वो क्या है हम थोड़ी कॉमनैलिटीज निकाल देते हैं विभिन्न चीजों में हाँ। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल गाय हैं बहुत सारी अब ये जो गाय शब्द हमने निकाला होगा अब हमें क्या पता अलग अलग प्राणी है वो तो सारे ज, जीव जंतु दिख रहे हैं चार पैरों में पर हमने बोला कि नहीं ये जो जंतु है ना ये ऐसे-ऐसे <laughs> जो दिखने वाले हैं हाँ, इनमें एक कॉमनलिटी है हाँ। वो जो भी कॉमनलिटी हो देख के समझ में आ जाती है हाँ। क्या हमने पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया हाँ। अब इन पे एक नाम लगाना है जी हाँ। तो हमने एब्स्ट्रैक्ट किया कि ये कॉमनलिटी है ये सब जंतुओं हाँ। में इनको बोलेंगे गाय हाँ। तो हम ऐसे पैटर्न निकाल-निकल के नाम देने लग जाते थे ये हमने रूप देखा ये नाम चेपा रूप देखा मशरूम मतलब जो भी है ये हाँ, ऐसे उगते हैं तो ये सही हैं और ये थोड़े जहरीले हैं ये थोड़े हमारे काम के हैं ये थोड़े हमारे काम के नहीं हैं ये ऐसे करेंगे तो कुछ हमारा फायदा हो रहा है तो तुमने तु, जो बताई थी एक चीज की लैंग्वेज शेप्स आर थिंकिंग तो हम हम लैंग्वेज के थ्रू चीजों को एब्स्ट्रैक्ट करने हाँ, लगे हम हम अपनी दुनिया को अलग-अलग चीजों में काटने लग गए क्लासिफाई करने लग गए कि ये ये चीजें हमने नाम और रूप चालू हाँ। करने लगे इससे बड़ी अच्छी, अच्छी चीज याद आई यो, यो इस बुक में बोलते हैं है, चेयरम प्यूश है मुझे पता है फिजिकल रियलिटी एंड द अदर वन इज इमेज रियलिटी यूनाइटेड स्टेट्स इज यूनाइटेड नेशंस गूगल ह्यूमन राइट्स नहीं वो तो <laughs> थोड़ा थो थो आगे चलेगी दैट इज अनदर थिंग जो लैंग्वेज से आई हाँ। तो हो गई कि हमने जो

कहीं नदी बोलते हैं कहीं तालाब बोलते हैं कहीं समंदर बोलते, बोलते हैं हाँ, है है। तो पानी ही। अलग है अलग अलग नाम क्यों है अलग अलग पैटर्न है तो अलग पैटर्न नदी हो गया ये मुझे बहुत सबसे इंपॉर्टेंट कि कैसे हमने लैंग्वेज यूज करने से हम चीजों को एब्स्ट्रैक्ट करने लग गए यही तो मेन इंटेलिजेंस हुई चीजों को एब्स्ट्रैक्ट करना कि यार इनमें ये कॉमन एलिटी एक होबी तो ये तो हो गई नंबर वन चीज है जो हम करने लग गए एब्सट्रैक्शन बोलते हैं जिसको दूसरी मुझे जो हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट और जो दिलचस्प चीज लगी कि भैया भाषा के आने की वजह से आपने गॉसिप करनी चालू कर दी हाँ। गॉसिप मतलब क्या था भाई पहले जैसे जो चिंपैजी वगैरह हो गए हाँ। वो भी ग्रुप्स में रहते हैं हम हाँ। हाँ। इकलौते ही नहीं है जो ग्रुप्स में रहते हैं हाँ। पर उनके जो ग्रुप्स के है वो छोटे होते हैं क्यों क्योंकि ग्रुप्स में रहने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्रस्ट भरोसा hmm. अब भरोसा कैसे आता है जब एक दूसरे के साथ आदमी थोड़ा उठता बैठता है खाता पीता है जंगलों में रहता है उठता बैठता है खाता पीता है टॉयलेट भी साथ में जाता होगा <laughs> तो भरोसा अपने आप डेवलप हो जाता है क्यों hmm. मैं एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं बट जैसे जैसे गुट का साइज बड़ा होता गया तो दिक्कत आने लगी क्या एक महाशय थे उनका नाम था डनबार डनबार ने बोला कि एक मनुष्य मैक्सिमम अपने जीवन में डेढ़ सौ लोगों को पर्सनली जान सकता है याद रख सकता है हाँ। अब अगर आपको गुट का साइज बढ़ाना है तो प्रॉब्लम आ गई करें क्या हाँ। तो उसके लिए एक बढ़िया तरीका निकाला हमने गॉसिप गॉसिप क्या गौसिप। एक दूसरे के बारे में हम बातें करने लग गए कि यार उससे ना थोड़ा दूर ही रहे यार उस, उसका मुझसे गुस्सा बहुत आता है ये तो 150 तक की लिमिट ही है हां 150 से ऊपर जाना तो कुछ और करना पड़ेगा हां सॉरी 150 से ऊपर हां आई थिंक आई गॉट कंफ्यूज बिटवीन टू थिंग्स गॉसिप तो इसलिए आ गया ताकि गुटों में ही हम अच्छे तो से रह पाए हाँ, हमने एक यूनिक चीज निकाली कि एक चिंपैंजी मान लो

तो हमने गॉसिप करना चालू किया ताकि एक दूसरे पे हम चेक रख पाए क्यों क्योंकि हमने गॉसिप करना चालू किया तो हमें इतना पता चल गया कि हाँ ये बता देगा कोई किसी तो की नहीं ग्रुप्स में नाउ वी कम टू अनदर इंटरेस्टिंग uh, थिंग कि ग्रुप का जो साइज है वो बड़ा करना जैसे आज की तारीख में हम ये देखते हैं हम तो बड़े बड़े ग्रुप्स में रहते हैं ग्रुप्स कुछ भी हो सकते हैं आपका कंट्री एक ग्रुप है आपकी कंपनी एक ग्रुप है mm. आपकी जाति पाती रिलीजन ये सब एक तरीके के ग्रुप्स हैं इट मैटर दे आर ऑल ग्रुप्स इफ यू हैव सम आइडेंटिफाई आइडेंटिटी देन इट्स अ ग्रुप दैट यू बिलोंग टू राइट पर ये ग्रुप की कहानी क्या है ये जरूरी है इसका मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ ये सारी जो ग्रुप आइडेंटिटीज हैं बीट रिलीजन कास्ट कंट्री कंपनी दे आर इंपॉर्टेंट बाय दे लेटस कोलेबरेट इन लार्ज नंबर्स कोऑपरेट इन लार्ज नंबर्स बिकॉज देर इज अ लिमिट जो महाशय है डनबार उन्होंने एक लिमिट निकाली की जी आप hmm. अपने जीवन में मैक्सिमम डेढ़ सौ लोगों को जान, जान पाओगे पर्सनली बट अगर आपको दूसरे लोगों से कोपरेट करना है तो कुछ तो तरकीब निकालनी पड़ेगी तो तरकीब ये निकाली कि भैया ये कहानियाँ मिथ्स जिसको बोलते हैं जिसको हिंदी में शायद मिथ्य बोलते हैं बट नॉट लाइंग शेयर्ड कहानी कि यार आपस में है ना हम एक काम करते हैं एक चीज पे विश्वास करते हैं कि ये तो है इससे फायदा क्या होगा हम अपने को ऑपरेट कर पाएंगे तो उस टाइम पे शायद जब आई होंगी कहानी अलग आई होंगी कि जी हम अपने ट्राइब का नाम देंगे ट्राइब का नाम दे हाँ। देते हैं और हम तो ये मानते कि इस हैं कि को इस पेड़ में तो भगवान है हमारे ट्राइब का हमारी सारी शक्ति इस पेड़ से आती है तो जो 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 पहला ट्राइब था जिसने ये मानना चालू किया कि हाँ हम हमारे पूरे जो दल की जो शक्ति है वो इस पेड़ से निकल के आती है तो अगर सारे के सारे डेढ़ सौ लोग दो सौ लोग ढाई सौ तीन सौ चार सौ पांच सौ लोग मानने लग गए हमारे लिए पेड़ सबसे ऊपर है कोऑपरेशन को चाल। चालू हो गई बाकी कोई दूसरा दल था वो नहीं मानते थे कहानियों में शेड तो उनके में क्या हो गया मान लो डेढ़ सौ लोगों का ग्रुप था और दस लोग आ गए तो दिक्कत ही उन्हें लग गई कि यार अब एक

बर हाँ, इनिशियली exactly. हम यही बात कर रहे थे हम जब स्टार्ट किया था ये सीरीज दैट वन ऑफ द फैक्टर्स टू अगेन हैव दिस काइंड ऑफ अ डिस्कशन इज ऑल ऑफ अस हैव दिस एज शेयर्ड स्टोरी अमंग ऑल ऑफ अस हमारे कोई भी इंसान उठा लो कहीं एंटार्टिका में कोई इंसान नहीं रहता बट एंटार्टिका में अगर रहता हो वो भी इस स्टोरी इस ये जो शेयर स्टोरी हमने पिछले चौदह बिलियन ईयर्स की बात की वो सब के लिए कॉमन है मुझे ये बहुत अच्छी चीज लगी कि इसमें कोई ये नहीं बोल रहा कि जी हाँ धरती पांच हजार साल पहले आई थी और तो वो मेरी इस भगवान ने बनाई या फिर साल पहले आई और इस हाँ, भगवान ने बनाई ये सब की हमारी साइंस कहती है ये सब जीव जंतुओं ब्रह्मांड ये हमारे पूरे ब्रह्मांड की कॉमन कहानी है कॉमन कहानी है तो इससे ज्यादा कॉमन कहानी तो हो ही नहीं सकती

या हिस्ट्री जो टेक्निकली हिस्ट्री तो कहां से? यही स्टार्ट करेंगे कि अब हमने काफी चीजें कर हैं अपने इतिहास में हमारे ह्यूमन बींगल में आ गए हैं उन्होंने काफी ऐसी चीज करनी शुरू कर दी है जो आज के डेट में हम करते हैं अब उन्होंने क्या किया कि कहा से उनकी स्टोरी आगे बढ़ती है बहुत चीजों के बारे में जिक्र करेंगे कि ऐसी कौन सी फर्स्ट लेट्स से जिसने उनको इतना पावरफुल बनाया तो भी mm. आगे उसके बारे में जिक्र जरूर लिख के बताइए की कैसी लगी आज की चर्चा आपको mm. हमें आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है